नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी क्लिनिक्स जो हैं वो बने होते हैं इसी तरह म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स होते हैं या और कोई डिफरेंट फाउंटेन हाउस है या मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है इस किस्म की जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या ड्रग्स uh, के लिए रिहाबलीटेशन सेंटर्स हैं ये सब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड किए हुए या चलने वाले इदारे होते हैं तीस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कम्यूनिटी सर्विसेज़ एंड रिसोर्स बट फंक्शन पोलिटिकली रिएक्टिव मोड बाई देर ओन नेचर अब ये सब जो इदारे हैं इनके अंदर एक डिफरेंट मैकेज़म के थ्रू काम हो रहा होता है कुछ तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ चला रही होती है कुछ को वो सिर्फ़ एक पैटर्नेज दे रही होती है एक सपोर्ट दे रही होती है और उसको लोकल लोग चला रहे होते हैं और उनका सेटअप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली होता है कुछ ऐसे होती हैं जो पर्टिकुलरली एन चला रही होती हैं मगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट दे रही होती है सिर्फ

और साइकोलॉजिस्ट जो उनमें काम कर रहे होते हैं उनको बाजुकात कुछ चैलेंजेस जो हैं वो फ़ेस करने पड़ते हैं एट टाइम्स दिस कॉन्फ्लिक बिकम सिग्निफिकेंट एथिकल इशूज एज वेल बाजुकात अगर हम एथिक्स के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ऑब्लिगेशन जो वो सेंटर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे होते हैं साइकोलॉजिस्ट से वो बाजुकात एक एथिकल कंसर्न भी बन जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ रेगुलेशन दैट रिक्वायर्स सेंटर्स टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑपरेशनल विद इन लिमिटेड टाइम ऑफ अमाउंट इफ़ दे होप टू ऑप्टेन कॉन्टीन्यूट फंडिंग जैसे एक कम्यूनिटी हॉस्पिटल है वो उसको फंडिंग सिर्फ इस बेस के ऊपर मिलती है कि वो उस एरिए में जितने भी आ, लोग हैं उनको हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करे लाइक वो उनको स्पीच के भी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी डील कर रहा है वो उनके जनरल मेंटल हेल्थ कंसर्नस को भी कर रहा है वो ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के तौर पे भी काम कर रहा है वो वुमेन क्राइसिस इंटरवेंशन के तौर पे भी काम कर रहा है उसके बाद वो लॉस एंड फाउंड चिल्ड्रन वाला जो सेक्शन है वो भी देख रहा है तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के काम भी कर रहा है तो बात इतने सारे रोल्स को इकट्ठा लेके चलना उस इदारे की किसी को डिस्टर्ब करता है और वो कोई भी काम प्रॉपर तरीके से शायद नहीं कर पाते लेकिन क्योंकि उनको ये एक ऑब्लिगेशन होती है कि आप जितने एरियाज को टैप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फंडिंग मिलेगी तो इस सिचुएशन में एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो बात Uh, उन रोल्स में अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में महसूस करता है बिकॉज आपको पता है कि हर सब्जेक्ट के हर फील्ड के स्पेशलाइज जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट uh, जो एक्सक्लूसिवली जो है वो वुमेन क्राइसिस इंटरवेंशन पे काम कर रहा है प्रॉबेबली उसकी uh, जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ड्रग डिपेंडेंस के केसेस के लिए नहीं होंगी लेकिन यहाँ पर उन uh, उससे ये रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से वो एथिकली कंस्ट्रेंट जो है वो हो सकता है

उसकी अगर स्पीच के ऊपर एक्सपर्टीज़ नहीं है और उसको ऐसे क्लाइंट्स आ गए जो कि स्पीच प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं और उसने उनको भी डील करना है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा इशूज़ फ्यू इशूज़ रिपोर्टेड ऑन एन अटम्प टू डिलीवर होम बेस्ड सर्विस इस्पेशली लेट से कि वो सेंटर में ऐसी रिक्वेस्ट आ गई कि एल्डरली के कुछ लोग जो हैं वो कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हैं और वो खुद उस कम्युनिटी सेंटर या हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते और उनको घर तक रीच करके कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है तो ऐसी सिचुएशन में ये एथिकल कंसर्न्स और ये चैलेंजेस जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली सेटअप जो है वो इतना इन नहीं होता जितना ज़्यादा वो डिमांडिंग होता है द इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी इज एक्सपेक्टेड टू सफर एज अ सर्विस ऑप्शन इन द फेवर ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन जहरी बात है कि आप वहाँ पर आप एक स्ट्रेंड इन्वायरमेंट में काम करें बहुत सारी चीज़ों को टैप करें कि आपको फंडिंग मिले लेकिन घर जाकर किसी को लॉन्ग टर्म जो सर्विस है प्रोवाइड करना वो एक काफ़ी एक्सपेंसिव काम हो जाता है तो ऐसी सूरत में अगर उन्हें कर्टेल करने को कहा जाएगा कि आप इनको अटेंड करें या ना करें दोनों सूरतों के अंदर जो उसका प्रेशर है वो साइकोलॉजिस्ट को जो कि कम्युनिटी सेटिंग में काम कर रहा है उसको फेस करना पड़ेगा और आइदर पॉजिटिवली वो अगर जाएगा तो वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके पास और बहुत सारी असाइनमेंट होंगी और अगर वो नहीं जाएगा तो वो एथिकली कंस्ट्रेंट रहेगा कि मैंने किसी को हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी और वो मैं नहीं कर सका तो इस तरह के जो चैलेंजिंग वर्क सेटिंग्स हैं उसके अंदर ये लिमिटेशंस एंड बारियर्स जो हैं वो एट टाइम्स जो हैं वो कुछ एथिकल बाइंडिंग्स के साथ कोइंसाइड हो सकते हैं